हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा के ऊपर चर्चा करूंगा, जिसमें साथियों जो HRMS ट्रांसफर का जो मॉड्यूल था वो बंद हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि क्या सच में ऐसा हुआ है, सारे ट्रांसफर अब ऑनलाइन के जितने थे सारे बंद हो चुके हैं, या फिर क्या मामला है। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं, बात करते हैं, तो हमारा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी जानकारी लाने का काम करता हूं, ताकि आप लोगों को किसी तरह का परेशानी ना हो। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा ले, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो दरअसल साथियों, बात क्या है कि आए से एक या दो दिन पहले हमारे पास बहुत सारे व्यूवर रेल कर्मचारी हैं, उनका कमेंट्स आ रहा था कि सर, जैसे ही मैं HRMS पोर्टल पे जाके मैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करता हूं, चाहे तो इंट्रा डिविजनल हो चाहे तो इंटर जोन हो, किसी तरह का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसका मॉड्यूल नहीं खुल रहा है, शो नहीं कर रहा है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब साथियों, अब इस समस्या के कारण उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं पैदा हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऑन रिक्वेस्ट की जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा, ऑनलाइन बंद हो जाएगी, ऑफलाइन तो पहले ही बंद हो रखा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, ये बहुत सारे हमारे व्यूवर थे जिनके मन में यही सवाल चल रहा था। तो साथियों, पहले तो बात आता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है, HRMS के साइट पे जो ऑन रिक्वेस्ट का जो एप्लीकेशन था वो बंद हो चुका है। तो साथियों, इसका जवाब आपको है कि हाँ, अभी जो आप खोलते हैं तो वो फिलहाल में बंद हो चुका है। अब साथियों, बात आती है कि बंद हो चुका है तो फिर हमारा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा बंद क्यों हुआ है और आपका ट्रांसफर कैसे होगा। तो साथियों, दरअसल हुआ क्या है कि कुछ दिनों से HRMS है जो क्रिस अपने सिस्टम में डेवलप कर रहा है, डेवलप करने के ख्याल से कि उसमें HRMS जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसको हाई प्रोफाइल, हाई वेटेज देके, मतलब उच्च गुणवत्ता देके उसको फिर से लागू करेगा। अब साथियों, बात करते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी के साथ जब उभर के आएगी HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, तो उससे रेल कर्मचारी को बहुत सारे फायदा होंगे, जो इसमें त्रुटियां दिखता था वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। अब साथियों, ठीक है वो हाई प्रोफाइल करने के लिए तो कर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा करना क्यों जरूरी पड़ा। तो साथियों, ऐसा ये जरूरी करना पड़ा कि जितने सारे HRMS के साइट पे ऑन रिक्वेस्ट की फाइल पड़ी हुई थी उसको वहां से सीनियरिटी बेसिस करके प्रायोरिटी दिया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रहा है, ताकि जो भी पिछले का एप्लीकेशन है वो उस डेट तक कि पुराने मॉड्यूल के अनुसार से ही वो प्रायोरिटी में हो जाए और वो रनिंग पीरियड में आ जाए। और साथियों, ये बंद किया गया है ताकि जो बंद किया जाए तो नया एप्लीकेशन कोई नहीं लगा सके, और वो उसी पीरियड में, उसी दरमियान में क्रिस के द्वारा जो नया डेवलप है
एचआरएमएस ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए वो लॉन्च कर दे, वो लॉन्च कर दे, ताकि वो हाई टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि साथियों, कोई नया करने के लिए पुराना को बंद करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो सफल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो पहले से ऑन रिक्वेस्ट लगा हुआ था उसको एक सीरियल वे में पूर्ति करने के बाद नया के लिए स्टॉप कर दिया है, उसी बीच में हाई प्रोफाइल की टेक्नोलॉजी डाल दिया जाएगा, जिससे आपका ट्रांसफर अच्छा होगा और पिछले से ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथियों, यही कारण है जो अभी फिलहाल में एचआरएमएस के साइट पे हमारा जो ऑन रिक्वेस्ट का जो न्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नया आप अभी फिलहाल में नहीं लगा सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही नया टेक्नोलॉजी आएगा, उसमें डेवलप होके आएगा, तो उसमें एक नया अपडेट बन के आएगा, तो भी मैं उसके ऊपर में वीडियो लेके आऊँगा। जैसे ही नया आ जाएगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि ये मॉड्यूल आपको कैसे काम करेगा। तो साथियों, जिनके मन में ये समस्या चल रहा था कि हमारा क्या होगा, हमारा ट्रांसफर अब कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नया एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो साथियों कुछ समय का इंतजार करें। जैसे डेवलप होगा तो नया टेक्नोलॉजी उसमें उभर के आएगा, तो नया टेक्नोलॉजी के अनुसार से आप फिर फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपका ट्रांसफर होगा। तो घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, एचआरएमएस अपने जगह पे सही है और आपका ट्रांसफर ऑनलाइन ही होगा। कुछ समय दीजिए साथियों, सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो फिर आप उस पर नया एप्लीकेशन जरूर लगाएं। तो साथियों, ये समस्या अब आपके मन से दूर हो गया होगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए समस्या को देखते हुए ये वीडियो लाने का काम किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे सपोर्ट के लिए एक लाइक तो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।